ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः भावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आने का क्या क्या कारण है। हम लोग श्रवण कर रहे थे जो साधारण कारण है कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन एतत् अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलयुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए हैं। इसलिए हम ये भी सुन रहे थे हरिनाम कैसे जप करनी चाहिए, हरिनाम को कैसे कहाँ से लेनी चाहिए, उसका क्रम क्या है, हरे कृष्ण से पहले ना हरे राम से पहले करनी चाहिए, इन सब विषय पर हम लोग विवेचना कर रहे थे। आज हम लोग ये सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु अपना मुखार बिंद से भक्तों को ये हरिनाम का विषय पर उन्होंने क्या क्या कब कब क्या क्या उन्होंने बोला है, हम ये चीज़ को श्रवण करेंगे। बोले अपने सवारे प्रभु करे उपदेश कृष्ण नाम महामंत्र सुन हरि से। महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सब भक्तों को महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं, बोले कृष्ण नाम महामंत्र सुन हरि से। तुम लोग प्रसन्न हो करके कृष्ण नाम की जो महिमा को तुम लोग श्रवण करो। बोले क्या, महाप्रभु बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु ने अपना मुख निश्रित वाणी है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। कहे क्या ये महाप्रभु का मतवाद ना, ये पहले ये था। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी अपना बात को नहीं बताया, मैं कह रहा हूँ। बोले नहीं, महाप्रभु कहते हैं शास्त्र में ही ये बात को बताया गया, क्योंकि कितना ज़्यादा कहते जब जब इसी जगत में अधर्म हानि होने लगता है भगवान तब तक अवतीर्ण होकर क्या करते हैं, धर्म को स्थापन करते हैं। क्या अपना धर्म को स्थापन करते हैं, अपने जो कहना चाहते हैं। बोले नहीं, पहले पहले उन्होंने जो कुछ बोले, बोला व्यास देव जी ने पहले जो जो कुछ बोले हैं
कहते व्यास देव स्वयं नारायण है, लेकिन जब धीरे 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 वो नष्ट होते जाता है ना, फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान जगत में अवतीर्ण होकर के उनने जो कहे गए बात को फिर हमारे सामने उन्होंने अंगुल दिखा कर कहते भैया देखो शास्त्र में ये बात बताया, ये बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए महाप्रभु का एक विशेष सिद्धांत है, बोले सकल प्रमाण दिवे पुराण बचन, मतलब है अपनी मनमानी से कुछ मत कह करो, मैं कह रहा हूँ। बोले नहीं तुम्हारी बात का क्या महत्व है, अरे बताओ भागवत क्या कहता है, गीता क्या कहता है, हमारे पे पुराण वेद क्या कहता है, तुम्हारी बात का क्या महत्व है, तुम तो भ्रम प्रमाद कर्ण पटक और विप्रलिप्सा चार ही तरह का दोष हमारे अंदर में रहते, इसलिए हमारी बातों को ही कहते पागल की ना बोले छागल की ना खाए, बंगला में कहावत है पागल क्या बोलता नहीं बकरी क्या नहीं खाता है, इसलिए हमारी बात का कोई महत्व नहीं, महत्व है किसकी शास्त्र में क्या कहता है। इसलिए महाप्रभु कहते जो कुछ बात बोलो अपनी मनमानी से कुछ मत कर लो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए शास्त्र क्या बोलता है ये बात को तुम बताया करो। अब ये प्रश्न होता है कहते महाप्रभु नहीं कहते हैं प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र इहा जप किया सबे करिया निर्बंध, कहते महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं मैंने ये महामंत्र को दिया है तुम लोग क्या करो इसको नियमित पूर्वक इसको जप करो। यहाँ पर कह रहे हैं मैंने महाप्रभु का तो मैंने बताया बात, यहाँ पर भी बोले ना प्रभु बोले कहिला यही मैंने ये महामंत्र को कहा है इसलिए इसको जप करो, अरे यहाँ पर कहते महाप्रभु बताए लेकिन शास्त्र में तो पहले बता चुका, लेकिन ये नाम जैसे भागवत में बताया सुख मुखात अमृत द्रव संजुत, कृष्ण कथा तो मीठा तो है ही है लेकिन जब ये सुखदेव गोस्वामी की मुंह से निकली ना इसकी विशेष विशेष महत्व आ गया। बोले कारण क्या, बोले कारण है जो सुखदेव गोस्वामी बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये सुख तोता कोई साधारण नहीं ये राधा रानी की प्रिय सुख, राधा रानी जिसको चुंबन करती थी जिनकी निकुंज में रहती थी, चूँकि राधा रानी चुंबन की राधा जी की अधरा अमृत उसको थोट में लगा हुआ, इसलिए जब उन्होंने कथा को बोले उसमें और भी ज़्यादा सा मिठास आ गया। क्यों, क्योंकि जिसकी हृदय में भगवान के प्रति जितने प्रेम है ना उसकी कथा की उतना ही महत्व है। इसलिए बोले कृष्ण रस भाविता मति क्रियता कुत्ता पे जद्य लभ्यते, अगर जीवन में ऐसे कोई रसी के भक्त मिल जाए जिनका मति संपूर्ण रूप में कृष्ण रस में डूबा हुआ हो और राधा जी की भाव में महाप्रभु का प्रेम रस में जो डूबा हुआ जो भक्त जब ऐसे संग मिलता है ना कहते कोटि सुकृत अपन लभ्यते, बोले भक्ति कैसे मिलता है सुकृति से, बोले भैया करोड़ों सुकृत से भी वो चीज़ नहीं मिलती है, अगर जीवन में ऐसे रसी की भक्त अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो इतने महत्व है भक्त संग की। इसलिए जब श्री हरिनाम तो मधुर था ही, हरिनाम तो कौन नहीं करता है, हरिनाम बताओ एक ज्ञानी भी करता है एक कर्मी भी करता है एक मायावादी भी हरिनाम करता है, लेकिन हम भी हरिनाम करते हैं लेकिन उनका हरिनाम और हमारे हरिनाम में क्या फर्क है, बोले जमीन आकाश फर्क है, जमीन यद्यपि हरिनाम चिंतामणि है जो मांगो वही दे देते हैं, कहते हरिनाम तो मीठा था लेकिन यहाँ पर कृष्णदास कबीराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण नामेर माला गांधी पढ़ाल सभा कर, लेकिन महाप्रभु ने किया कि ये कृष्ण नाम कह के माला की स्वरूप दिया, माला देकर के ना सबको गले में माला पहना दिया, बोलो ये माला पहनो, हम जैसे माला पहनाते हैं ना उनने माला पहना दिया, बोले किस चीज की, बोले कृष्ण नामेर माला गांधी, कृष्ण नाम रूपी माला को उन्होंने गूंथ करके सब गले में उन्होंने पहना दिया। इसलिए कहते महाप्रभु का मुंह से जब ये हरिनाम निकला इसलिए महाप्रभु कौन, बोले राधा कृष्ण दोनों मिलकर के महाप्रभु रूप में आए, लेकिन इन्होंने जो इनको मुंह से जो हरिनाम निकली ये हरिनाम हमें क्या देने वाले, ज्ञानी को मुक्ति देता है, ज्ञानी को कर्मी को संसार का धन दौलत देता है, इसलिए योगी को योग फल देता है लेकिन भक्तों को भक्ति फल देता है, लेकिन महाप्रभु का अनुगत में अगर ये हरिनाम कोई करेगा ना ये हरिनाम हमें क्या देगा, राधा रानी की चरण की सेवा, गोलोक वृंदावन में राधा रानी की चरण की सेवा देगा और श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा हमें ये हरिनाम देगा, इसका विशेष विशेष महत्व है।
इसलिए महाप्रभु कहते हैं कदि यह इते सर्व सिद्धि है विषवार, अगर ये हरिनाम करेंगे तो मिलेगा क्या? बोले सर्व सिद्धि क्या? सब कुछ मिलेगा। बोले सर्व सिद्धि मतलब यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण प्रेम, राधा रानी की दासत्व, चैतन्य महाप्रभु के चरण की सेवा हमें प्राप्त होगा, ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु, यही सर्वसिद्धि है। कहते ये यहाँ पर कह रहे हैं, यह जब किया सब करिया निर्बंध, बोले ये हरिनाम को कैसे जब करनी चाहिए? कहते निर्बंध मतलब नियम करके, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया तो कर लिया, कल इच्छा हुआ तो माला से कोई मतलब नहीं, माला मैं हाथ ही नहीं लगाया। बोले नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। कहते हरिनाम नियम से करनी चाहिए। बोले नियम से क्यों करें? जब इच्छा कर लो ना, नियम से क्यों करें? बोले जब तक नियम नहीं करेंगे ना, आपकी भक्ति बढ़ रही ना घट रही है बात नहीं पता चलेगा। क्योंकि भगवान कलियुग में नाम रूप में आए, जब भगवान नाम रूप में कलियुग में आए हैं, कहते अभिन्नत्वात् नाम नामिना, नाम और नामी एक ही वस्तु है, हैं? अभी तो हम लोगों ने भगवान को देखा ही नहीं, लेकिन किसको देखा? ये नाम को देखा, ये हरिनाम को हमने देखा। इसलिए इसको नियमित करने से क्या पता चलता है, हमारी भक्ति बढ़ रही ना भक्ति घट रही, इसको पता कैसे चलेगा? ये नियम है, हमने आज इतने माला की क्यों? भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं हुआ, एक ही वस्तु है। इसलिए भक्ति बढ़ती ना घटती ये संख्या से पता चलता है, हैं? संख्या से पता चलता है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब तक कोई लखपति नहीं बनेगा उसका हाथ का भोजन नहीं करता हूँ। तो महापुरुष स्वयं बोले जब तक कोई 1,00,000 हरिनाम नहीं करता उसका हाथ का खाना हम नहीं खाते। इसलिए गुरुवर कहते भैया अगर एक दिन में लखपति नहीं बन सकते तो 4 दिन में तो लखपति बन जाओ, प्लस 16 माला से तो नीचे मत क्या करो, बल्कि कोशिश करो उससे धीरे 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 उसकी बढ़ाने के लिए, इसलिए घटाने के लिए नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, घटाने के लिए नहीं। इसलिए नाम को जरूर नियमित पूर्वक जप करो। अगर नियम नहीं रखेंगे ना, आप देखना अगर आपने ढीला ढाला कर दिया मला नहीं होता, 2 कभी 4 5 हो गया, क्यों? नियम नहीं रखा है ना। जब नियम रखते नहीं, इतने माला हमें करने का, गुरुदेव कितना माला करते थे? गुरुदेव तो 9 बजे से पहले 1,00,000 माला पूरी करके भोजन करते थे गुरुदेव। भक्त विनोद ठाकुर 3,00,000 हरिनाम करते थे। प्रभुपाद उन्होंने 100 करोड़ नाम यज्ञ किया, उन्होंने 3,00,000 हरिनाम किया। इसलिए आप देखना स्वामी महाराज भी ऐसे हरिनाम किया है। इसलिए आप देखना जगत में उसी व्यक्ति की उतना ही महिमा आप देखोगे जो जितने हरिनाम को जो जितना निष्ठापूर्वक किया है, जो जितने निष्ठापूर्वक हरिनाम किया है उसका ही हम देखते हैं जगत में, उसको इतना ही महिमा जगत में प्रचार और प्रसार हुआ। इसलिए हरिनाम को महाप्रभु कहते हैं नियम पूर्वक, हरिनाम को नियम पूर्वक करनी चाहिए। और हरिनाम जितने हो सकता ना थोड़ा सवेरे सवेरे उठ कर करो तो सबसे बेस्ट बताया। अब देखना सवेरे हरिनाम करो, मन अपने आप भजन में लग जाता है, अपने आप। मैं तो गुरुदेव को देखा, 2:30-3 बजे के अंदर में गुरुदेव उठते थे और 9 बजे गुरुदेव सो जाते थे। उसको पहले जल्दी जल्दी सो जाते थे, जल्दी जल्दी उठ जाते थे, हैं? जल्दी जल्दी सो और जल्दी जल्दी उठो और सवेरे सवेरे अब हरिनाम को जितने सवेरे सवेरे कर लोगे उतना ही हरिनाम में मन लगेगा और हरिनाम में टेस्ट आएगा। दिन आने पर रजोगुण मन ये जाएगा, घर में ये नहीं, ये काम वो काम, देखो दिमाग घूमना शुरू कर देता है, हैं? दिमाग घूमना, इसलिए कोशिश करनी चाहिए बस जल्दी प्रसाद पाओ और जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ करके कुछ माला को जल्दी जल्दी कुछ माला को सवेरे सवेरे कर लो। जिनको भक्ति में बढ़ने का इच्छा है और जिनको ठीक है खा रहे पी रहे, कभी सो गए कभी उठ गए कभी माला नहीं किया, कभी जीवन में इनका कभी उन्नत नहीं होता, कभी इनके उन्नत नहीं होता, वो जिंदगी भर ऐसे ही जीवन हो जाएगा। लेकिन किसको ये सिद्धि मिली? जो भक्ति में सिंसियर हुए। जब तक हर चीज़ में हम सिंसियर बनते हैं, भक्ति में अगर सिंसियर नहीं बनेंगे ना, अब देखना जिंदगी ऐसे ही बीतेगा, जीवन कुछ नहीं होता है जीवन में कुछ। इसलिए जिन जिन्होंने सिंसियर भक्ति में बोले ना, नहीं हमको सिंसियर होकर भक्ति करना है, ठीक ठीक से भक्ति करना, इसलिए भक्ति के अनुकूल स्वीकार करना और भक्ति प्रतिकूल को हमें
वर्जना करने चाहिए। जब देखेंगे इसमें हमारे मन इधर उधर भटक रहा है कोई काम करने से, उसको संकल्प आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से विवर्जनम है। संकल्प मतलब क्या? संकल्प मतलब नहीं, अगर ये काम करने से हमारे जो मन है भक्ति से कहीं अलग हट रहा है, संकल्प अगर नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे, जानबूझ करके आग में हाथ नहीं देंगे। जब इसमें जलेगा फिर उसमें हाथ क्यों देंगे? उसमें नहीं देनी चाहिए वो चीज़ में अंगुल। जब अंगुल इसमें जलेगा, पता है इसमें हाथ लगाओ तो जलेगा, फिर उसमें अंगुल हम क्यों डालेंगे जानबूझ करके? नहीं डालनी चाहिए, जानबूझ करके टांग अड़ानी नहीं चाहिए। इसे संकल्प करनी चाहिए, प्रतिकूल को हम त्याग देंगे, भक्ति के अनुकूल वस्तु का हम स्वीकार करेंगे। हैं, इसलिए वग्र संकल्प से ना कोई चीज़ नहीं होता है। देखना कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम करने के लिए हो, संकल्प लेते हैं। हैं, वग्र संकल्प दुनिया में कोई भी कुछ काम नहीं होता है, हर चीज़ संकल्प से होता है। इसलिए हमको भगवान की जो नाम में निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सहने सोते समय भी हरिनाम करो, कि भोजन भोजन करते सभी हरिनाम करो, कि बात जागरण है अगर जगते समय भी हरिनाम करो। इसलिए कहते ये अगर ऐसे कोई करते है ना, कि इसमें द्वारा क्या होगा? शास्त्र कहता है उसकी महिमा शास्त्र में बता नहीं सकता है। जो व्यक्ति हर समय हरिनाम करता रहता है, हर समय जो हरिनाम करता है, कहते उसकी महिमा तो कोई बता ही नहीं सकते। इतने महिमा वो व्यक्ति को जो हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि युगे युग धर्म है नाम संकीर्तन, अतएव कलि युगे नाम यज्ञ सार, आर को न धर्म कैले नाही है पार। इसलिए कलि युग में अतएव कलि युगे नाम यज्ञ सार, इसलिए कलि युग में कौन सा यज्ञ करनी चाहिए? बोले भगवान की नाम यज्ञ है। पहले बता रहे थे ना कलयुग में नाम ही यज्ञ है, कि यज्ञ की तरह क्या होता है, उसमें जो धुआं निकालती है उसमें चारित एकदम चारित वातावरण को ये शुद्ध कर देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुद्ध करता है ना ये हरिनाम संकीर्तन। इसकी आवाज़ जितने दूर तक इसकी आवाज़ गूंजे उतना दूर तक सारे पापों को हरिनाम ये नष्ट कर देता है, अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जैसे यहाँ कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, ये भागवत कथा की भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है। इसलिए माता जी कल जो वो लड़की के ऊपर कोई आई थी, इसलिए वो यहाँ आते ही बोलने लग गई, मेरे को यहाँ पर क्यों लाए हो, मेरे को यहाँ पर क्यों लाए हो, मेरे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है। जहाँ पर भगवान की कथा भगवान की कीर्तन हो ना, वहाँ पर उल्टा पुल्टा चीज़ वहाँ नहीं आ सकती, वहाँ पर उसकी असर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की कथा ना कीर्तन है ना। इसलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम, यहाँ पर कोई उल्टा पुल्टा चीज़ यहाँ आ ही नहीं सकती है। इसलिए हमने बहुत सारी जगह पर देखा जो भगवान का कीर्तन कथा हो ना, जो जिसको पर कोई उल्टा सीटा भूत भूत आते ए जग जाते, वो अपना स्वर्ग देखा ना, क्यों? वहाँ पर बैठ नहीं सकते, वहाँ तो पवित्र आत्मा ही, वहाँ तो पवित्र आत्मा बैठ सकते ना, भूत प्रेत थोड़ी बैठ सकते, वो बैठ नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अतएव कलियुग नाम यज्ञ सर आर कौन धर्म के लिए नहीं है पार। अगर कलियुग में हरि नाम को छोड़ करके अगर और कोई काम करे तो उसको संसार से पार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है कलियुग में ही केवल हरि का नाम ही सार है। अगर उसको छोड़ कर दूसरे काम करे तो फल कैसे मिलेगा? फल मिलेगा नहीं। इसलिए कहते रात्रि दिन नाम लगे खाते सोते, अगर जो व्यक्ति रात्रि दिन खाते सोते जो भगवान का नाम लेते हैं ताहर महिमा वेद ना ही पार देते, वेद भी उसकी महिमा को बता नहीं सकता है जो हर समय भगवान की नाम लेते हैं। बोले सुन मिश्र कलियुगे नाही तप यज्ञ जय जन भज कृष्ण तार महाभाग्य। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहते हैं सुन मिश्र, ये मिश्र है तपन मिश्र है, कहते हैं कि तपन मिश्र एक था जिसने वो सोच रहे थे कलयुग में साधन किया और साध्य किया है, साधन किया और साध्य प्राप्त किया होनी चाहिए। उन्होंने इसी विषय पर बहु लोगों को उन्होंने बहु प्रश्न किया, लेकिन लोगों ने जब अलग अलग उत्तर दिया, हैं, इन लोगों ने अलग, लेकिन उसमें वो सैटिस्फाई नहीं हुए,
लेकिन भगवान से पुकारते, प्रभु जी आप कृपा करो, जीवन में हमें क्या करनी चाहिए और हमारे जीवन की लक्ष्य क्या हो। लेकिन एक दिन कहते अगर सच दिल से कोई अगर तुम्हारे हृदय में प्रश्न जगता है ना, ठाकुर जी इसको जवाब देते हैं। अगर हृदय से तुम्हारी सरल हृदय से निष्कपट हृदय से भगवान से कोई प्रार्थना करो, ठाकुर जी हमारी ये सही मार्ग दिखाओ, ठाकुर जी सही मार्ग दिखाई देते हैं। इसलिए उनने स्वप्न देखा है, रात को कोई एक महापुरुष आए हैं, रात को स्वप्न में कोई एक महापुरुष प्रकट हुए। सचमुच से उन्होंने दूसरे दिन देखा श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु मैंने एक प्रश्न बहुत लोगों को किया है लेकिन सबके सब इसके अलग अलग उत्तर दिए, आप कृपा करके बताओ जीवन में साधन क्या करनी चाहिए और साधन करके हमारे साध्य गोल क्या होनी चाहिए। महाप्रभु ने कहा बेटा कलयुग में साधन केवल एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में और कोई साधन नहीं, एक साधन है। बोले फिर साध्य क्या, फिर हमारे लक्ष्य क्या है, प्राप्त क्या होगा। बोले साधन जो है ना वो साध्य वही है, भगवान का नाम ही साधन है और जो प्राप्ति है ना भगवान का नाम ही प्राप्ति, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए ऐसे नहीं जब हम साधन कर रहे हैं तो भगवान का नाम जब करते जब सिद्ध हो जाएगी नाम छूट जाएगी, नहीं बल्कि उससे ज्यादा, बल्कि उससे ज्यादा हरि नाम करेगी उस समय में। इसलिए साधन में जो कर रहे हैं ना उसको साध्य में भी वही काम करेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण कीर्तन में कभी नाचते थे, कभी रोते थे, कभी लोट पोट खाते थे, कभी हंसते तो घंटे तक हा हा करके हंसते हैं। तो महाप्रभु ने पूछा भैया तुम सन्यासी हो, सन्यासी के धर्म में कौपिनी बनते हो, खलुभाग्य बनते हो, वेदांत सूत्रेषु सदा रमत, ये सन्यास का धर्म है, हैं। इसलिए कलयुग में क्या करनी चाहिए, कौपिनी धारण करो, हैं, वेदांत सूत्र में रमण करो, इसलिए यही तुम्हारी धर्म। ये क्या तुम हरिनाम करके कभी नाचते हो, कभी रोते हो, कभी। तो उन्होंने बोले ऐसे क्यों कर रहे हो। तो महाप्रभु कहते हैं गुरु मरे मूर्ख देखी करिल्ला शासन। बोले गुरुदेव ने कहा भैया तुम मूर्ख है, मेरे को तुमने शासन ने किया। बोले तुम ही मूर्ख, तुम्हारे वेदांत ना ही अधिकार, तुम मूर्ख भैया, वेदांत वेदांत तेरे तुम्हारी बस की बात नहीं है, हैं। वे क्या करो, कृष्ण नाम जप यही सर्व मंत्र सार। बोले तुम ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र को तुम जपो। अभी गुरु जी की आज्ञा है ये हरि नाम जप करने के लिए, इसलिए मैंने गुरु जी की आज्ञा को मान करके उठते बैठते सोते मैंने ये हरि नाम जप किया। हरि नाम करते 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 एक दिन मेरा जो बुद्धि है ना, पता नहीं क्या बुद्धि हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला पुत्र क्या हो गया मेरी। और मैंने किया जब जब ये हरि नाम करता हूँ मैं क्या देखता हूँ, वृंदावन में सुंदर कलकल नाद से जमुना नदी बह रही है, और बड़े सुंदर कदम वृक्षों के नीचे बड़े सुंदर श्याम सलोना सा एक सुंदर बालक बंसुरी बजाते हुए, जब जब कृष्ण नाम करता हूँ ना देखता हूँ ये मेरे को बुलाता है, हैं, बुलाता है। और मुझे देख करके मैं पागल हो गया, वो रूप को देख करके मैं पकड़ा उसको दौड़ने के लिए, मैं पकड़ ही लिया था, देखो वो दूर में फिर खड़े हुए, फिर मेरे को बुला रहे बेटा इधर आ जाओ। इसलिए जब जब मैं हरिनाम करता हूँ वृंदावन में कदम वृक्षों के नीचे कृष्ण को बंसुरी बजाते हुए देखता हूँ, इसलिए मैं ये हरिनाम करता हूँ। बोले भैया हरिनाम का तो यही फल है, हरिनाम का तो यही फल है, कृष्ण का दर्शन हो जाए। इसलिए यहाँ पर कहते रात्रि दिन तहर के सुन मिश्र कलयुगे नाही जप यज्ञ। उन्होंने महाप्रभु ने और मिश्र को कहा दे कलयुग में क्या नहीं है, कले कलयुग में तप यज्ञ नहीं है। बोले जय जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य, जो कलयुग में हरि नाम का आश्रय करता है कृष्ण भजन करता है वो परम भाग्यवान है। इसलिए कथा अतएव गृह तुम्हें कृष्ण भज गया कुटी नाटी परिहार एकांत हैया। क्या करो तुम घर में जा करके कृष्ण भजन करो। लेकिन महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं भैया कुटी नाटी छोड़ करके, कपटता को छोड़ करके भगवान के नाम जप करनी चाहिए, क्योंकि हृदय में कपटता रहेगा ना, भैया नाम तो सब समझते हैं, भगवान तो सब समझते हैं, फिर तुमको ये कृष्ण प्रेम तुम्हें
प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए हमें हृदय में एक बाहर एक नहीं होनी चाहिए, कपटता को छोड़नी चाहिए। बोले साध्य साधन तत्व देख छु सकल हरि नाम संकीर्तन मिली वे सकल। महाप्रभु कह रहे साध्य साधन तत्व जे कुछ सकल है, जो साध्य और साधन बोले जो प्राप्ति और जो साधन कदी जो कुछ है कदी हरिनाम संकीर्तन पाई वे सकल। ये हरिनाम संकीर्तन सहित में सब कुछ हो, हरिनाम से ही प्राप्त होगा। कहते यही श्लोक नाम बोली लय महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर यही तंत्र। कहते ये जो श्लोक है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले यही श्लोक नाम बोली लय महामंत्र। ये जो श्लोक है ये श्लोक है इसको बोल करके यही महामंत्र ग्रहण करते 16 नाम 32 अक्षर, इसमें नाम 16 और अक्षर उसमें 32 अक्षर है। बोले साधित साधित जबे प्रेमांकुर हवे साध्य साधन तत्व जानी बे से तबे। तद इसी हरि नाम को जप करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे उसमें एक अंकुर आएगा, फिर उसमें दो पत्ती आएगी, दो पत्ती उसमें एक सुंदर टहनी आएगी, फिर उसमें लता बढ़ेगी। ऐसे करते करते लता बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, पहले पहले ये ब्रह्मांड को भेद करेगा, उसके बाद में ब्रह्मांड भेद करके फिर किसको, फिर मुक्ति लोकों को भेद करेगा, उसके बाद में वैकुंठ को भेद करेगा, उसके बाद में अयोध्या को भेद करेगा, उसके बाद द्वारका मथुरा और कहाँ चली जाएगी, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन जाकर क्या करेगा, राधा कृष्ण के चरण कमल को ये लता जाकर के आश्रय करेगा, बढ़िया बढ़िया फल आएगा जिसमें गुठली भी नहीं छिलका नहीं, और बैठ बैठ के खाओ चकाचक है, चकाचक फल को खाओ। वो कौन सा फल, वो प्रेम फल है, कहते ये प्रेम फल। इसलिए कहते साधित साधित भी प्रेमा कुरु हबे, श्री भक्ति मनोहर ठाकुर का ना इसके ऊपर में एक बहुत बढ़िया उन्होंने भजन गाए है, इसलिए वो भजन याद नहीं आ रहे, बहुत अच्छी भजन है। कैसे हरिनाम करते करते कैसे अंकुर धीरे धीरे कैसे पत्ते फूल होकर कैसे ये ठाकुर का चरण को कैसे आश्रय ग्रहण करता है। इसलिए कहते जब पे जय तार कृष्ण ऊपर जय भाव, कहते ये महामंत्र को जब जब करेगा धीरे 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 क्या होगा, कहते ना साध कृष्ण नाम चरित अभिद्यादि न रोचिकान, हमारी जीवा क्या है ये अभिद्या पाप को द्वारा अनर्थ को द्वारा ग्रसित है। पहले तो हरिनाम अच्छे नहीं लगेगा, बोले क्या करनी चाहिए, बोले तद आदरात अनुदिनम, आदर करते हुए धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते आदर करके भगवान के नाम को ग्रहण करनी चाहिए। करते 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 धीरे से हृदय से धीरे धीरे ये अनर्थ धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। जैसे उदाहरण देते जैसे मिश्री मीठा है, लेकिन मिश्री तो मीठा है लेकिन किसको कड़वा लगता है, किसको, जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं, भैया ये तो मीठा है लेकिन तेरे को कड़वा लगेगा, लेकिन चूसते रहना, चूसते चूसते धीरे धीरे जब कड़वा भाप खत्म हो जाएगा फिर इतने मीठा लगेगा, फिर मिश्री छूटेगा नहीं। कहते उसी तरह भगवान का जो नाम है पहले तो अच्छी लगेगी नहीं, लेकिन हरि नाम करते करते धीरे 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 क्या होगा, कहते प्रेमांकुर हवे, एक दिन ये प्रेम स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसलिए कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जप तारे कृष्ण उप जय प्रेम, कहते ये कृष्ण नाम का ही यही स्वभाव है, इसको जो जप करेगा ना कृष्ण नाम क्या करेगा, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। इसलिए कृष्ण नाम धरे कत बल है, कृष्ण नाम धरे कत बल, कितने शक्ति जीवा अग्र चले, लेकिन कृष्ण नाम कैसे करते, जीवा के अग्र में भगवान के नाम जीवा के अग्र चले, हम बहुत बढ़िया भजन उसमें भक्त मोहन ठाकुर का है। कृष्ण नाम रे फल प्रेमा सर्व शास्त्र कहे, जार आगे त्रिण तुल्य चार पुरुषार्थ। इसलिए कृष्ण नाम जप करने से इसका फल क्या है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के चरण में हमारी प्रेम होगा। लेकिन जिसको सामने त्रिण तुल्य चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये दुनिया जिस चीज में रमते रहते हैं, जिसको सामने ये जो चार पुरुषार्थ है, कहते जिसको सामने एकदम फीकी पड़ी जाती है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत निस्तार,
कलयुग में भगवान किस रूप में आए, इसलिए भगवान अपने माँ को कह रहे हैं, पर माँ कलयुग में मैं और दो अवतार लूंगा कलयुग में। बोले दो अवतार क्या लूंगा? बोले एक श्री नाम रूप में आऊंगा और दूसरा श्री विग्रह रूप में। कभी ये दो रूप में कलयुग में मैं अवतीर्ण होऊंगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तो है सर्व जगत निस्तार। कृष्ण नाम से ही समस्त जगत का निस्तार होएगा। बोले निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, हेलाए मुक्ति पावे पावे प्रेम धन। कहते क्या करे हरिनाम संकीर्तन को, हर समय उठते बैठते सोते हर समय इस नाम में, ये जीवा को प्रभु का नाम में लगा दो, पूरा पूरा इसको नाम में लगा दो। इसलिए भक्तिमान ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं, कहते भगवान का नाम करने के लिए 10 अपराध को त्याग देनी चाहिए। कितना अपराध? 10 अपराध। कहते अगर कोई साधक अगर बहुत चेष्टा करे, किसी साधु को निंदा नहीं करे, गुरु जी को अवज्ञा नहीं करे, भगवान का नाम को साथ में कोई पुण्य कर्मों को बराबर नहीं करे, नाम की अतिस्तुति नहीं करे, हैं इसलिए अतिस्तुति नहीं माने, इसलिए दूसरे दूसरे ब्रह्मा शंकर जी को साथ में भगवान को बराबर नहीं करे, अगर कोई कोशिश करता है ना, हो जाएगा। कहते 9 अपराध से दूर हो जाओगे। लेकिन कहते जो एक अपराध छोड़ना बड़ा कठिन। बोले कौन सा? बोले ये शरीर में ना जो मैं और मेरा है, ये पर छोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम इसमें ही पड़े हुए हैं, ये शरीर में ही तो पड़े हुए हैं हम लोग ने। शरीर में हूँ, ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा, मैं मेरा, ते तेरी यही माया। कहते इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर कहते भैया छूटेगा फिर क्या? छूटेगा नहीं। बोले एक उपाय है, अगर कोई 24 घंटा में 24 घंटा हरिनाम करे ना, उसका समय नहीं सब चिंतन करने का, कोई समय नहीं चिंतन करने का। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हर समय क्या करो? चलते समय हरिनाम करो, खाते समय हरिनाम करो, सोते समय हरिनाम करो, काम करते समय हरिनाम करो, बस हाथों में काम और मुँह में ठाकुर जी की नाम लो, बस सबसे सरल उपाय है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कर ये हरिनाम संकीर्तन को, बोले हेलाए मुक्ति पापी, जो मुक्ति के लिए ज्ञानी इतने कठोर तपस्या करते हैं, बोले ये तो नाम की आभास से हैं, ये तो नाम के आभास से सब खत्म हो जाएगी, सब के सब खत्म चली जाएगी हैं। इसलिए कहते ये तो चुटकी बजाते ही मुक्ति मिल जाएगी हैं, चुटकी बजाते ही मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हरिदास ठाकुर बोले ना, तुम लोग कह रहे हो नाम से मुक्ति मिलेगा, ले भैया नाम का मुक्ति ये मूल फल नहीं, उसका तो आभास से सब खत्म हो जाती है, कूट बीज अनर्थ हैं प्रारब्ध अप्रारब्ध सब खत्म हो जाती है। नाम का जो मुख्य फल कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम के मुख्य फल है। इसलिए नाम मेरे फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय, हर्ष प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। ये सब चैतन्य महाप्रभु इस बात को कह रहे हैं चैतन्य भागवत में और महाप्रभु का मुखंड स्मृति। बोले हर्ष प्रभु कहे न सुन राम राय, महाप्रभु बड़े प्रसन्न होकर कहते राय रामानंद को कहते, बोले क्या? बोले नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन है सबसे ये सरल उपाय, बहुत सरल उपाय। लेकिन हम इतने दुर्बुद्धि है ना, भगवान इतने कलयुग में इतने सरल लग दिया, तभी हम ये काम को नहीं करते हैं हैं। दूसरे दूसरे युग में कितने कठोर साधन था, कितने कठोर, बिना खाए पिए टांग ऊंचा करके सर नीचा करके एक अंगुल ऊपर खड़े होकर के चारी तरफ में आग लगा करके तपस्या करते थे सबके सब। लेकिन कलयुग में इतने सरल, लेकिन तभी हमारी नाम रुचि नहीं हो रही है। इसलिए कहते हैं कहते खाई थे सुई थे तथा जथा नाम लय, दे काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि आय। भगवान का नाम खाते सोते सब समय भगवान का नाम लो, कोई काल कोई देश कोई नियम है ना ही सर्व सिद्धि आय। इसलिए देश काल पात्र उसमें कुछ नहीं रखा। देश मतलब ये नहीं बताए केवल भारत में भजन कर सकते हो, केवल जम्मू में नहीं कर सकते हो, वृंदावन में कर सकते हो, ये नहीं बताए। जम्मू में भी भगवान का नाम कर सकते हो, ऐसे नहीं विदेश में नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देश बोले काल, काल मतलब नहीं, जब ठाकुर जी रात में सोते हैं हरिनाम नहीं करनी चाहिए, ठाकुर सो रहे जग जाएंगे। इसलिए जब श्रीवास पंडित रात भर हरिनाम करते थे, जो पाखंडी लोग थे, लगता है ये देश उजड़ जाएगा,
क्योंकि जिसमें चातुर्मास में भगवान सह इस समय ठाकुर शयन करते हैं, ठाकुर शयन किए तो ठाकुर, अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ हो उसको कान में जाकर जोर जोर से हरे कृष्ण करो सो पाएगा, जग जाएगा, जग जाएंगे ठाकुर नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे ना ठाकुर जी फिर दुनिया में अमंगल हो जाएगा। भले इनका अगर देश में अगर उत्पात हुआ, देश में अगर दुर्भिक्ष पड़ा, इनका सारे घर मकान ना उखाड़ करके सब गंगा में फेंक देंगे, ये लोग रात भर हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, ये श्रीवास पंडित ऐसे सब बोलते थे। लेकिन भगवान कहते नहीं, कोई काल नहीं, ऐसे नहीं रात में नहीं कर सकते। दिन में भक्तमन ठाकुर क्या करते थे, 8 बजे सो जाते थे, खा पी कर 8 बजे 12 बजे उठ जाते थे, और 12 बजे उठ कर रात भर ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम करते थे। और वहाँ पर पेन कागज रहता था, कहाँ पर गोदरूम में है गोदरूम, वहाँ पर है क्या करते थे भक्तमन ठाकुर, जब कोई चीज़ स्फूर्ति होता था फिर बैठे बैठे कर ग्रंथ लिखते थे, जो भजन लिखते थे रात को, हाँ जैव धर्म सब सारा रात हरिनाम करते थे और क्या करते थे सारे ग्रंथों को लिखते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी। इसलिए कहते भगवान देश काल और पात्र, पात्र मतलब क्या है, भगवान ये नहीं बताए केवल हिंदू ही हरिनाम कर सकता, मुसलमान क्रिश्चियन और ये लोग नहीं कर सकते, उन्होंने ये भी नहीं बताया। इसलिए देश काल पात्र नाही सर्वसिद्धि है, इसमें सर्वसिद्धि होती है। कदि जो हरिनाम है, किसने सबसे पहले किसकी मुंह से ये हरिनाम निकले, जो हरे कृष्ण महामंत्र ये कहाँ से प्रकट हुआ, किसने ये महामंत्र को बोले, हाँ किसने बोले जानते हो, श्री राधा रानी, सर्वप्रथम राधा रानी के मुंह से कृष्ण विरह में ये महामंत्र निकली है। देखो क्या कहते हैं, बोले जानी जानी है विरहे जजाप बार सभा नवी तान्येव तद्भाव युक्त गौर चंद्र जजाप। कहते ये राधा रानी कहते बार सभा ने मतलब से राधा रानी क्या करती थी, ये विरह अवस्था में ही उनके मुंह से ये हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण हुआ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ही परिवर्तन समय में ही हरिनाम महामंत्र को जप करते थे। महाप्रभु स्वयं कौन है, राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा कृष्ण दोनों हैं, लेकिन इमल तला को नीचे बैठ करके महाप्रभु आते थे, वहाँ पर जुगल घाट में जमुना में नहाते थे, इमल तला में महाप्रभु स्वयं बैठ कर हरिनाम जप करते थे, दोपहर तक बैठ बैठ करके वहीं पर भगवान स्वयं, मतलब समझो कि जो हरिनाम है, हरिनाम में क्या रस है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण भी स्वयं ये नाम को जप करते हैं और राधा रानी स्वयं ये नाम को ये महामंत्र को जप करते हैं, उसमें इतने रस है भगवान के नाम में, इसलिए इतने नाम में रस कलयुग में, इसलिए तो कृष्ण क्यों महाप्रभु का रूप में आए, यही कारण था राधा रानी मेरे प्रेम को जो आस्वादन करती हैं, राधा जी के अंदर में क्या प्रेम है, मेरे स्वरूप में क्या आनंद है, जिसको करोड़ों गुण मेरे से भी ज़्यादा राधा रानी को प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण में क्या रस भैया, मिश्री में क्या रस है ना, मिश्री को पता नहीं, खाने वाले को रस है, खाने वालों को ये चीज़ पता है। इसलिए महामंत्र राधा रानी की मुखार बिंद से ही यदि ये नाम उच्चारित तो हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कलयुग संकीर्तन धर्म पालिवारे अवतीर्ण हैला प्रभु सर्व परिकरे। महाप्रभु कलयुग में क्यों आए, इसलिए आए कलयुग का जो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन को इसको प्रचार और प्रसार करने के लिए महाप्रभु आए। अपने सवार प्रभु करे उपदेश कृष्ण नाम महामंत्र सुनह हरि से। और अपने सब गलाए माला सवा करे दिया आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण भज गया। इसलिए महाप्रभु अपना गला की माला निकाल करके सबको दे रहे हैं कि जाओ क्या करो तुम लोग, महाप्रभु आज्ञा करते हैं जाओ सबके सब कृष्ण भजन और कृष्ण नाम को करो। बोलो कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम कृष्ण बिनु केह किछु नाभ भाबियो आन। महाप्रभु कह रहे हैं क्या करो, बोले कृष्ण बोलो कृष्ण बोलना तो कृष्ण ही बोलना, भज कृष्ण भजन करना तो कृष्ण को भजन करो, गाओ कृष्ण नाम अगर गाओगे तो कृष्ण नाम को गाओ, कृष्ण बिनु केहो किछु ना बोलिवे आन
कृष्ण को छोड़ करके और कुछ बोलना नहीं, बुलवाना नहीं और कुछ गाना भी नहीं है। इसलिए यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार तबे कृष्ण बेतिर के ना गाय। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, अगर तुम लोग मेरे को प्रीति करते हो, सचमुच अगर मेरे को तुम लोग प्रेम करते हो, क्या करो, अगर प्रेम करते हो कहते तबे कृष्ण बेतिर के ना गाय व्यार, कृष्ण को छोड़ करके और कुछ गाना ही नहीं। अगर तुम लोग मेरे को अगर प्रीति करते हो, इसलिए महाप्रभु बोले ये हरिनाम को सोते उठते बैठते हरिनाम करो, बस हरिनाम से तुमको सर्व सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए हमारे शास्त्र में तो इतने कृष्ण नाम की महिमा, इतने कृष्ण नाम की महिमा बताए, कहते उन्होंने कलयुग में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन क्यों रखा है, कारण क्या। बोले कले दोष निध राजन अस्ति एक महान गुण, यद्यपि कलयुग में दोष ही दोष एक महान गुण है। बोले क्या, बोले कीर्तना देव कृष्ण से मुक्तम बध प्रज ब्रजत। अगर कलयुग में थोड़ी सी हरिनाम करे ना, जीव संसार से पार हो जाएगा। इसलिए भागवत का अंतिम में भी उन्होंने बताया क्या, बोले बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोले नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव का समस्त पाप नष्ट होगा। बोले प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तन को ही प्रणाम करते हैं और कलयुग का नाम को द्वारा ही जीव का कल्याण होगा। इसलिए कहते कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम बिना ना ना कली काले नाही नाही आर धर्म। कली काल में भगवान कृष्ण ही नाम रूप में आए, इसलिए कलयुग में कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए नाम की इतने श्लोक शास्त्र में इतने श्लोक बताए हैं। इसलिए भक्त मनोहर ठाकुर ने तो बड़े सुंदर के भजन गाए, वो भजन को गा करके हम लोग हैं इसको समाप्त करते हैं। बोले जय जय हरि नाम चिदानंदामृत धाम, जय जय हरि नाम चिदानंदामृत धाम, परतत्व अक्षर कार परतत्व अक्षर कार, निज जने कृपा करे नाम रूपे अवतरी, निज जने नाम रूपे अवतरी, जीव दया करी लेन पार जीव दया जय हरे कृष्ण नाम जग जन सुभिश्राम, सर्वजन मानसर जन मुनि वृंद निरंतर जनावर समादर, करिगाय भरियाव दाना हे कृष्ण नाम कर तुम्हें सर्व शक्ति धर, जीवेरा कल्याण भीत रहे आज
तापजी भेजाता तुम्हें सब कारा आहलाया तुम्हारे का बार डाके जाती सर दिन आके जना डाके जाती हो ना जना दिन आके जना नहीं देखे अन्ना प्रति कार तब स्वल्प स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूर जाए अलिंग भंग से भक्ति विनोद काय जय हरि नाम जय अपरिता के तो आपस आसे जय हरि नम जय हरि नम हरि नम जय हरि नम जय कृष्ण नम जय कृष्ण नम कृष्ण नम जय कृष्ण नम समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसलिए कहते जय जय हरिनाम चिदानंद अमृत धाम। जो जो हरिनाम को जय जय मतलब हरिनाम की जय जयकार हो, कहते हरिनाम क्या बोले चिदानंद अमृत साधारण नहीं, जिसमें छत चित आनंद जिसमें भरा पड़ा हुआ है, चिदानंद अमृत का वो धाम स्वरूप है। तो जितने हरिनाम करो कहते प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, प्रतिपद पद में एक नई नई आनंद अनुभूति होती है, है? जितने डूब सको प्रभु का नाम में डूब जाओ। इसलिए कहते निज जन कृपा करी भगवान क्यों नाम रूप में आए, बोला अपना जीवों के ऊपर में कल्याण करने के लिए भगवान ने अपना नाम रूप में जगत में आए। इसलिए कहते जय हरि कृष्ण नाम जगत जन सुविश्राम, कहते हरि नाम करने से क्या होता है, बोले विश्व ब्रह्मांड को ये आश्रय देने वाले जगत जन सुविश्राम सर्वजन मानस रंजन, कहते जो मन को रंजन मतलब आनंद देने वाले क्या है भगवान की नाम है। इसलिए कहते ओ हे कृष्ण नामा कर तुम्हें सर्वशक्ति धर, बोले हरिनाम तुम्हें सारे शक्ति को तुम धारण करते हो, बोले क्यों, बोले जीवों को कल्याण करने के लिए। इसलिए डाके यदि कहते अच्छे ताप जीवे जाता हो, जगत में जितने जीवों का ताप है जितने दुख कष्ट कर है जब तुम खत्म कर देते हो सारे दुख कष्ट को है अच्छे ताप तुम्हें सब कर तो हेलाए तुम्हारे एक बार अगर हेला पूर्वक भी है भगवान के नाम को ले लो ना उससे समस्त दुख कष्ट हरण हो जाता है। इसलिए कहते अच्छे ताप जीव तुम्हें सब डाके यदि कोन जन होए दिन अकिचन, कैसे हरिनाम करनी चाहिए बता रहे, कैसे डाके यदि कोन जन होए दिन अकिचन, अगर कोई दीनहीन होकर के अकिचन होकर के अगर तुम्हारे नाम को कोई ग्रहण करते हैं डाके दिन अकिचन ना ही देखी अन्य प्रतिकार, मतलब और कोई प्रतिकार नहीं देख करके जो व्यक्ति केवल नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं तुम क्या करते हो तुम तब स्वल्प स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूर जाए, उसको तेरा क्या होगा कि तेरे नाम ग्रहण करने पर का सारे उग्र ताप क्या हो जाता है जितने कष्ट सबके सब दूर हट जाते हैं।
इसलिए बोले डाके यदि कोनो जन हो दिन अकिचन नाही देखे अन्य प्रतिकार। अगर कोई दीन ही न होकर के कोई अन्य प्रतिकार को नहीं देख करके अगर कोई हरिनाम करे तो क्या तब स्वल्प स्फूर्ति पाए, क्या होता है? कहते भगवान आप कृपा कर इसका हृदय में आप स्वयं स्फूर्ति प्राप्त हो जाते हो और लिंग भंग हो अनासे। भगवान के नाम करने से क्या होता है लिंग भंग, मतलब ये दो शरीर स्थूल शरीर और एक है लिंग शरीर। स्थूल शरीर मतलब जिस पंच रचित ये अधम शरीर है, सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त। हाँ कहते क्या होता है अनायास में ही ये जो शरीर है लिंग शरीर अपने आप नष्ट हो जाता है। हमारा जो दिव्य शरीर है भगवान की चरण सेवा की जो दिव्य जो आत्म शरीर उसमें प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते भक्त विनोद कहे जय हरि नाम जय। भक्त मनोहर ठाकुर कहते प्रभु हरि नाम की जय जयकार हो। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की पढ़ी था कि तू आप दया से। कहते हरि नाम को आश्रय लेकर क्या करो, केवल उनका नाम को ही आश्रय लेकर के पढ़े रहो, बात उससे ही हमारी कल्याण हो जाए। इसलिए कहते महाप्रभु जगत में आने का ये सब कारण है, जगत जीवों को परम शांति परम आनंद और उनके ठाकुर जो चरण की जो सेवा है हम उनकी नित्य सेवा को देने के लिए ही महाप्रभु हरि नाम के माध्यम में उन्होंने जगत को ये प्रेम दे कर गए। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की सचिनंदन गौर हरि की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।